हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो आपका SSCJEE का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो चुका है, उसके बाद आज हम लोग जानेंगे आपका कि सेफ स्कोर आपका कितना होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस देखेंगे इसमें 2023 का, साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग आंसर की से रिलेटेड कि आपका आंसर की कब तक आएगी। जैसे आपको पता है आंसर की 4 से 6 दिनों में आ जाती है। कितने दिनों में? 4 से 6 दिनों में आ जाती है। तो 15 या 16 के बीच आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। 15 या 16 अक्टूबर के बीच आपको आंसर की आ जाएगा SSCJEE को। सबसे पहले अपडेट आपको दे दिया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे SSCJEE में आपका सिविल वालों का कितना कट ऑफ जाएगा और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों का कितना कट ऑफ जाएगा। जो यहाँ पर मैं PDF जो लाया हूँ आपका प्रीवियस ईयर का, कितना 2022 का कट ऑफ का एनालिसिस लाया हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 2022 का लाया हूँ। और बात करूँगा मैं कि आपका सेफ स्कोर कितना होगा 2023 का कट ऑफ, इधर मैं बताते चलूँगा सभी पोस्टों के लिए 1x1 करके। OBC का कितना जाएगा, जनरल का कितना जाएगा, इस बार थोड़ी कटअप आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो पूरा एनालिसिस होगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता आप लोग कितना अटेम्प्ट लिए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों एवरेज जो आपका बहुत सारे बच्चों का जो एवरेज कटअप है, अगर आपने 145 प्लस इलेक्ट्रिकल में किया है तो आपका सेफ स्कोर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर स्टेटमेंट वाइज आ रहा था। मैकेनिकल में भी 150 प्लस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद सिविल में अगर आपने भी 150 या 140 प्लस क्वेश्चन किया है तो आपका सेफ जोन में है। उसके बाद आपका आंसर की निकलेगा 2-3 दिनों में, यानी 15-16 को। तो आप लोग अपना नंबर चेक कर सकते हैं कितना नंबर है, 120, 10, 15, इसे मिनिमम गलती सभी का हो जाता है, 130, 135, 120 जो भी आपका नंबर आए वो अपना देख सकते हैं जिस अनुसार। तो हम लोग चलिए सबसे पहले कट ऑफ का बात कर लेते हैं, यहाँ पर कौन से पोस्ट के लिए और कौन सी कैटेगरी के लिए आपका कितना कट ऑफ जाएगा। जो तो सबसे पहले हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसमें लगभग 800 प्लस सीटें थी। पिछली बार भी बम्पर सीट थी आपका 2700 सीटें थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। इसलिए इसमें प्री का जो कटअप था SSCJEE टीयर 1 का कटअप जनरल में 110 गया था। तो इस बार आपको देखने को मिल सकता इसी के बीच, किसके बीच, इसी के आसपास आपको कटअप देखने को मिल सकता। लेकिन इसमें आपका SSCJEE सिविल में 115 मान के चलिए कि आपका कटअप जाएगा, 110 से 115 के बीच आपका कटअप रहेगा। OBC में 107 से 112 के बीच रहेगा। EWS में आपका 90 से यानी 95 से 100 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा इस बार प्री का। SC में 90 कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको, 90 से 95। ST में भी 90 से 95 देखने को मिलेगा। OH में भी यहाँ से देखिए 80-40 जो पिछले बार कट ऑफ गया था उसी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा इस बार। ये सिविल की बात होगी, अगर आपका 115 नंबर आएगा तो आप लोग निश्चित रहे कि आपका प्री में हो जाएगा, CVT 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने सिविल में 150 क्वेश्चन प्लस सही सॉरी 150 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपके 130 क्वेश्चन सही होते हैं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग यानी 5 यानी 125 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल 100% रहिए कि आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा CVT 1 में। उसके बाद आप CVT 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर अपना सिविल जैसे अटेम्प्ट आप लोग लिखिएगा कि हमने 175 अटेम्प्ट किया सिविल इंजीनियरिंग में, जो भी लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने 200 में 200 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले लिया है और बहुत सारे बच्चों ने 130 भी अटेम्प्ट लिया है। तो मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ, 150 प्लस जो अगर आपने लिया अटेम्प्ट तो एक अच्छा अटेम्प्ट आपका हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था, रीजनिंग में टाइम टेकन था, बाकी बेसिक सा ही क्वेश्चन आया था, कोई ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं थी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था जिससे कि टेक्निकल में थोड़ा हार्ड लग रहे थे। और GK GS में आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे,
कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपको वही पॉलिटी फिजिक्स में से भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे थे। बाकी जीके जीएस में अगर आपने 20 टच किया है तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी मान के चलिए जीके जीएस सबका वैसा ही गया है, 15 से 20 ही सबका सही हो सकता है, किसी का 30 नहीं हो सकता जीके जीएस में। जो आपका रिजल्ट होगा टेक्निकल और रीजनिंग के बेसिस पे ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कट ऑफ आता है, साथ में आता है, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल में आपको देखने को मिल जाएगा 125 से 130 इस बार का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का बाद का स्कोर होगा। ओबीसी में भी आपको इतना ही देखने को मिलेगा, 125 से 127 के बीच। ईडब्ल्यूएस में आपका 110 से 115 के बीच मिलेगा। एससी में 105 से 110 के बीच, एसटी में 100 से 105 के बीच। तो पिछली बार से 5-6 नंबर आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आए थे तीनों शिफ्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज थे, जिसमें कि टेक्निकल में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपका लगता है। अगर आपने रीजनिंग स्टार्ट किया था तो रीजनिंग बनाने में सबका 45 एक घंटा लग जा रहा था, उसके बाद जीके में 10 मिनट, तो आपको 50 से 60 मिनट ही टेक्निकल में मिला था। जो कि अगर आप बनाने जाते तो नेटवर्क से सोल्यूशन आपका था, नॉर्मिकल था, मशीन से नॉर्मिकल था, जिसमें टाइम टेकन लग रहा था। इसलिए मान के चलिए अगर आपने 150-160 अटैम्प्ट किया है तो एक गुड स्कोर होने जा रहा है। 140 भी अगर अटैम्प्ट किया है आपका और आपका एक्यूरेसी सही है, 130 आ रहा है नंबर, तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित ही हो जाएगा। तो CVT 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब आंसर की यानी पूरा एनालिसिस के लिए आप, अगर आपका पूरा अच्छे से नंबर चाहिए तो वह आंसर की 4 दिन बाद पब्लिश हो जाएगी। तो आप लोग आंसर की से अपना अपना मिला लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और बना के दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो कट ऑफ आपका पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा 2-3 नंबर देखने को मिल जाएगी। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।